स्टूडेंट्स, इट्स मी विक्रम कुमार फ्रॉम शाइन हायर सेकेंडरी स्कूल कासमाबाद हैदराबाद। जी स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स सीख रहे हैं, तो मैथमेटिक्स सीखनी है तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आइए मूव होते हैं आज की क्लास में क्या हमें सीखने को मिलता है। तो आज की क्लास में एक्सरसाइज 1.7 कंटिन्यू चल रही है, उस पर क्वेश्चन नंबर 11 सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, एक फंक्शन गिवन है फ्रैक्शनल फॉर्म में एंड उसके साथ उसकी लिमिट x टेंड्स टू a टेंड्स टू 1 है एंड लिमिट x टेंड्स टू a इक्वल टू f(x) फंक्शन कैलकुलेट करना है। चलो देखते हैं किस तरीके से लिमिट अप्लाई होगी, कैसे सॉल्व होता है। तो रिक्वेस्ट टू ये है लिमिट x टेंड्स टू a, वैल्यू ऑफ a इज 1, बाकी फंक्शन x पावर 4 प्लस x पावर 3 माइनस x स्क्वायर माइनस 5 प्लस 4 होल अपॉन x पावर 3 माइनस x पावर 2 माइनस x प्लस 1, ये है फंक्शन f of x। ठीक, अब सॉल्व किस तरीके से करें, तो इसका फर्स्ट स्टेप ये है कि अगर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करके देखें कैंसिल क्या आ रहा है। तो यहां पर अगर x टेंड्स टू 1 है तो अगर हम 1 डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे तो आंसर मिलेगा हमारे पास यहां पर आएगा 0 वाला। ठीक है, तो डायरेक्ट लिमिट इसका मतलब नहीं अप्लाई कर सकते, नहीं कर सकते तो मीन इसको मत ही सिंपलीफाई करें। कैसे, अब अपने तरफ से को फार्मूला यूज करें या प्लस या माइनस करें, टर्म फैक्टराइज करें, कैंसिलेशन होगी। जैसे चलो देखते हैं किस तरीके से हम इसको मत ही सिंपलीफाई कर रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 है, x पावर 4 प्लस x पावर 3 माइनस x पावर 2 माइनस 5x प्लस 4 है। अब प्लस जो 4 है, इस प्लस 4 को प्लस 5 प्लस 1 लिख सकते हैं सिंपली, तो प्लस 5 एंड माइनस 1, 5 माइनस 1, 5 से 1 अगर माइनस करेंगे तो प्लस का 4 रहेगा जो सामने है। इस सिर्फ 4 को हम लिख सकते हैं, मींस 5 माइनस 1 मींस 4, तो सिर्फ 4 को 5 माइनस 1 लिख सकते हैं। क्यों लिखा, क्योंकि मजीद फैक्टराइजेशन मजीद सिंपलीफिकेशन के लिए लिखा है। सो होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर की टर्म्स है x क्यूब प्लस x स्क्वायर, ये दो टर्म्स है, इन दोनों टर्म्स से हम काम ले सकते हैं x क्यूब प्लस x स्क्वायर में। तो x क्यूब प्लस x स्क्वायर में x स्क्वायर कॉमन है, x क्यूब में x स्क्वायर कॉमन है तो मींस बाकी x माइनस है, x स्क्वायर कॉमन है या बाकी रहेगा बाद। अब इन दोनों टर्म्स से काम माइनस x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 में दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, नहीं तो मींस माइनस 1 कॉमन ले सकते हैं। तो माइनस 1 x माइनस की साइन कॉमन भी है तो ये प्लस जो आ गया प्लस इनटू माइनस माइनस ये 1 भी सही है। सही है, डिनोमिनेटर में टोटल 4 टर्म्स थे, इन दोनों में अलग कॉमन लिया, इन दोनों में अलग कॉमन लिया, इन दोनों में कोई टर्म कॉमन नहीं था मींस वन कॉमन था, तो वन कॉमन लिया। एंड देन नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए ये है लिमिट x टेंड्स टू 1, आगे नेक्स्ट स्टेप में इनका को कैसे हम रीअरेंज करते हैं, x पावर 4 माइनस x स्क्वायर, जी x पावर 4 के साथ x स्क्वायर माइनस और इसको कंबाइन किया है एंड देन प्लस x क्यूब इसके साथ माइनस 1, ये जो माइनस 1 है वो x क्यूब के साथ लिखा है, बाकी ये माइनस 5x एंड ये प्लस का 5 सेम। ठीक, टर्म्स को रीअरेंज किया है क्योंकि क्योंकि इनके साथ फार्मूला यूज होंगे, इनको फैक्टराइज कर सकते हैं कॉमन में से। इसके बाद अब डिनोमिनेटर में x माइनस 1 देखिए जो कंप्लीट दोनों से कॉमन है, x माइनस 1 कॉमन है तो आगे पाया, बाकी यहां पर ये है x स्क्वायर माइनस 1 जी कॉमन लेने के बाद कर लेंगे वो। अब रिकर्स टू नेक्स्ट स्टेप में ये लिमिट x टेंड्स टू 1, अब ये जो दो टर्म्स है इन दोनों टर्म्स में x पावर 4 माइनस x पावर 2 x स्क्वायर कॉमन है, x स्क्वायर कॉमन, x पावर 4 से x स्क्वायर कॉमन, बाकी x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कॉमन बाकी 1 रह जाएगा एंड देन प्लस x पावर 3 माइनस 1। अब देखिए 1 पे पावर कुछ भी नहीं है, तो 1 पे पावर कुछ भी नहीं है तो अपने तरफ से आप पावर 3 लिख सकते हैं, 1 पे चाहे कुछ भी कितना भी पावर लिखे या कितना भी पावर दें आंसर हमेशा 1 ही रहेगा। क्यों 3 लिखा है, क्योंकि उसके साथ जो वेरिएबल हमने x पावर 3 के साथ 1 को कंबाइन किया है, तो x पे पावर 3 है तो 1 पे पावर 3 सेम दिया है
साइन कॉमन है, तो अगर प्लस की साइन है वो प्लस ए माइनस है, प्लस इनटू माइनस माइनस, फाइव कॉमन ले लिया तो यहां पर फाइव है, फाइव डिवाइडेड बाय फाइव मींस वन, ठीक। कॉमन लिया कुछ मतलब डिवाइड हो रहा है उसके साथ, डिवाइड किया एंड देन डिनोमिनेटर में कौन से टर्म से बाकी डिवाइडेड बाय कि x माइनस वन, सेकंड टर्म x स्क्वायर माइनस वन, अब वन के साथ x पे जो पावर है सेम पावर वन पे भी दे रहे, क्योंकि इस x पे जो पावर है सेम वही उसके साथ वन पे पावर दिया है, इसलिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं वन पे पावर जाए कितना भी दे आंसर वन ही रहेगा, तो इसलिए डिनोमिनेटर में पावर थ्री था उस दोनों टर्म्स के साथ, इसलिए वहां पर पावर मैंने एक्स किया, डिनोमिनेटर में भी पावर मैंने एक्स किया, ये इसका अलग ब्रैकेट लिखा, ठीक है। इस अब यहां पर ये दो फॉर्मूला यूज होंगे, कैसे फॉर्मूला यूज होंगे देखते हैं, अब ये मजीद इन टर्म्स को सिंपलीफाई करेंगे एंड फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे तो साइड में हम देखते हैं एक फॉर्मूला जो यूज होगा यहां पर a2 माइनस b2, दो टर्म सब्ट्रैक्ट हो गए हो दोनों पे पावर q हो तो फॉर्मूला a माइनस b, सेकंड ब्रैकेट है a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, एक फॉर्मूला ये यूज होगा जो q में टर्म है उस पे, एंड सेकंड फॉर्मूला यूज होगा दो टर्म सब्ट्रैक्ट हो दोनों पे पावर s स्क्वायर अलग अलग हो तो फॉर्मूला के हिसाब से a प्लस b एंड a माइनस b, सेकंड वाला फॉर्मूला ये यूज होगा, ठीक है। फॉर्मूला का हमारा दिया क्योंकि हमें समझ में आया ये क्या किया हमने, इनके हिसाब से लिमिट x टेंड्स टू 1 सेम है, x स्क्वायर सेम बराबर ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1, अब 1 में पावर कुछ भी नहीं है तो क्या करें, 1 में पावर हम 2 दे रहे हैं क्योंकि जो x पे पावर है सेम पावर 1 पे दे रहे हैं, इसको फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इसलिए प्लस x क्यूब माइनस 1 क्यूब, अब इसको फॉर्मूला यूज करेंगे जो फर्स्ट वन फॉर्मूला है, तो x की वैल्यू a means x, b means 1 है, इसके हिसाब से x minus 1, a square means x square, plus a into b means x into 1, plus b square means 1 square, सही? तो formula के हिसाब से इस term को मैंने manage किया, break up किया, and then बाकी minus 5, x minus 1 sin, x minus 1 is a sin factor sin term, minus 5, x minus 1 sin theta, and then divided by whole upon इतना करते हैं जो फॉर्मूला था उसका x minus 1 is same है and then second factor x square minus 1 square दो टर्म सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं दोनों पे स्क्वायर अलग है तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इस फॉर्मूला के हिसाब से x plus 1 and x minus 1 ये आ गया टर्म, ठीक है। प्लस अब जो फॉर्मूला यूज करते हैं क्या एंड देन आगे नेक्स्ट स्टेप में भी फॉर्मूला यूज होंगे मैनेजमेंट x square again the dual terms x square minus 1 square formula x plus 1 x minus 1 g and then plus x minus 1 7 x square 7 plus x multiplied by 1 means x 1 which I did not power 2 1 rega minus 5 x minus 1 remains same whole divided by x minus 1 x plus 1 x minus 1 ये ब्रेक इस पूरी स्क्वायर का डिनोमिनेटर जो पड़ी है, ठीक है। सुनो आप देखो इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1, न्यूमरेटर में तीन फैक्टर्स हैं, ये तीन ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही है प्लस सेकंड फैक्टर ये दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही है माइनस 5 ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई, ये तीन फैक्टर्स हैं, इन तीनों में से कॉमन टर्म x माइनस 1 देखिए तीनों के साथ मौजूद है, x माइनस 1 जो ब्रैकेट है तीनों में मौजूद है, तो x माइनस 1 को कॉमन निकाल है, x माइनस 1 को अगर कॉमन ले लें बाकी x स्क्वायर ब्रैकेट में x प्लस 1 ये टर्म यहां पर रहेगा, ठीक x माइनस 1 कॉमन है प्लस ब्रैकेट और यहां पर x माइनस 1 कॉमन है तो बाकी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 यहां पर मौजूद है एंड देन आगे माइनस 5 x माइनस 1 कॉमन ले लिया है, ठीक है। प्लस कॉमन x माइनस 1 है इसलिए डिनोमिनेटर में x माइनस 1 x प्लस 1 x माइनस 1 ये टर्म है, अब न्यूमरेटर में जो x माइनस 1 ब्रैकेट कॉमन है बाहर कंप्लीट फैक्टर से मल्टीप्लाई हो गया तो x माइनस 1 को x माइनस 1 से कैंसिल करवा सकते हो, ओके कैंसिल कैंसिल होने के बाद लिमिट x टेंड्स टू 1 अब ये ब्रैकेट x स्क्वायर x प्लस 1 ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं x स्क्वायर 1
प्लस ए एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस माइनस फाइव, ये दोनों आपको प्लस माइनस हो सकते हैं, प्लस वन माइनस फाइव मीन्स माइनस का फोर सम रहेगा, डिनोमिनेटर में एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस वन, ये दो टर्म्स आपके सामने मौजूद है, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट स्टेटमेंट x tends to 1 x power 3, अब ये x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर तो ये हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर प्लस x 7 माइनस 4 7 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, जिन्हें दो फैक्टर से जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये सिंपलीफिकेशन थी, इस स्टेप में जस्ट ये दो टर्म्स आपस में प्लस की है, डिनोमिनेटर में दोनों सेम मौजूद हैं। सो गाइस हम इससे कंटिन्यू करेंगे, यहां पर इज इक्वल्स टू ये में x टेंड्स टू 1 x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 मींस माइनस 3 एंड माइनस 1, माइनस 3 माइनस 1 4 को ब्रेकअप किया दो नंबर्स में, क्योंकि मजीद सिंपलीफाई करने के लिए टर्म्स को मैनेज करने के लिए दोनों साइड नेगेटिव है, दोनों को प्लस कर सकते हैं एंड डिनोमिनेटर में x प्लस 1 एंड x माइनस 1 रिमेंस है, ठीक है प्लस ये सर। अब इस स्टेप में जस्ट 4 को ब्रेकअप किया दो अलग टर्म्स में, जो आपके सामने स्टेप्स हैं, मींस आपके सामने टर्म्स मौजूद है। सो एंड देन नाउ मूव होते हैं आगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है। सो अब इस स्टेप को कंटिन्यू कर रहे हैं, टर्म्स को रीअरेंज करते हैं, इज इक्वल टू ये लिमिट x tends to 1 पहले x cube है इसके साथ 1 जो 4 को ब्रेकअप किया है तो 1 इसके साथ लिखते हैं, ठीक, बाकी 2x square plus का चलो plus x and minus 3 2x square plus x ये minus 3 same है, divided by denominator में term है x plus 1 and second bracket है x minus 1, so is equals to ये है limit x tends to 1 x cube minus 1 तो 1 के पावर 2 ही मैनेज करता है जो x के पावर है इसलिए n plus, बाकी ये तीन टर्म्स है एक क्वाड्रेटिक टाइप की क्वेश्चन बन रही है, तो क्वाड्रेटिक टाइप की क्वेश्चन में इसमें जो टर्म ब्रेकअप करना पड़ेगा, चलो ब्रेकअप करते हैं किस तरीके से, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 जो टर्म ब्रेकअप करना है, लास्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म आपस में आप मल्टीप्लाई करें, तो फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा माइनस 6x स्क्वायर, माइनस 6x स्क्वायर साइन भी जरूर करनी है, 6 फैक्टर्स कंप्यूटर है 6 के 2 डिवाइड बाय 3 टाइम 3 का टेबल बन रहा है। अब ये हमारे पास दो फैक्टर्स आए -2 और -3, हमें दोनों फैक्टर्स को इस तरीके से आप मैनेज करें जो उनको प्लस या माइनस करें तो आंसर मिले मिडिल वन प्लस x। सो देखें अगर 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 मींस प्लस x की प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे 3 * -2 मींस -3 प्लस 6 माइनस 9 मल्टीप्लाई करने से -6 आ रहा है प्लस माइनस करने से 1 प्लस आ रहा है सही है, मींस ब्रेकअप हो सकता है मिडिल टर्म तो हो गया, ये टर्म आया 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इसको माइनस 2x प्लस 3x माइनस 3, ठीक इन टर्म को लिखा x क्यों है वेरिएबल जो वो ही यूज होगा बीच में डिवाइडेड बाय x प्लस 1 एंड x माइनस 1 सेम एंड द नेक्स्ट स्टेटमेंट ये है लिमिट x टेंड्स टू 1 फर्स्ट ब्रैकेट जो है x क्यूब माइनस 1 क्यूब देन फिर फॉर्मूला अगेन ये फॉर्मूला यूज होगा इस फॉर्मूला के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला a माइनस b है तो x क्यूब माइनस 1 क्यूब मींस a माइनस b मींस x माइनस 1 a की वैल्यू x b की वैल्यू 1 सेकंड ब्रैकेट पे a स्क्वायर प्लस a इनटू b a इनटू b है तो a की वैल्यू x इनटू b की वैल्यू 1 प्लस b स्क्वायर मींस 1 होल स्क्वायर ब्रैकेट ओवर एंड देन प्लस अब इन टर्म दो फर्स्ट टर्म से इनसे कॉमन लेंगे एंड टर्म से अलग से कॉमन लेंगे इन दोनों टर्म्स में अगर कॉमन लें तो 2x कॉमन है 2x कॉमन है तो बाकी यहां पर क्या रहेगा x माइनस 1 ठीक 2x में से 2x स्क्वायर में से 2x कॉमन ले लिया बाकी x माइनस 2x कॉमन आ गया एंड आगे प्लस 3x माइनस 3 दोनों से प्लस 3 कॉमन है बाकी x माइनस 1 सम रह जाएगा ठीक है 3 कॉमन है दोनों से सो डिवाइडेड बाय फैक्टर सेम x प्लस 1 एंड x माइनस 1 इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 1 फैक्टर 2 ये सेम है
ये फैक्टराइज वाला था, मैं इसको साफ लिख दे ऐसे, इनके दोनों इसको फैक्टराइज के ना मेडिट का इनमें से कॉमन लिया हुआ x minus 1 से x square plus x multiplied by 1 x multiplied by x 1 square means 1 plus अब इन दोनों टर्म में से x minus 1 bracket कॉमन लेने, चलो ये कॉमन आ गई ठीक, 2 x minus 1 bracket कॉमन के बाद पहले 2 x है बाप भी प्लस का 3 यहाँ पर रह गया ठीक, फर्स्ट फैक्टर प्लस सेकंड फैक्टर दो फैक्टर है डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर पे टर्म सेम है x plus 1 and x minus 1 की फैक्टर सेम है ठीक। अब न्यूमरेटर दो फैक्टर जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों में x minus 1 कॉमन है तो x minus 1 कंप्लीट कॉमन ले लें, लिमिट x टेंड्स टू 1 x minus 1 कॉमन आ गया बाकी क्या रह जाएगा ये x square plus x minus 2 plus 1 plus x minus 1 कॉमन बाकी यहां पर 2x plus 3 ये टर्म कॉमन है ब्रैकेट ठीक है, दोनों कॉमन लेने के बाद ये फैक्टर होल डिवाइडेड बाय x plus 1 मल्टीप्लाई बाय x minus 1 ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए न्यूमरेटर में दो फैक्टर्स आ चुके हैं, डिनोमिनेटर में भी दो फैक्टर्स हैं तो x minus 1 फैक्टर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया, बाकी टर्म लिमिट x टेंड्स टू 1 x square x plus का 2x plus का दोनों को plus कर सकते हैं, x plus 2x means योगा plus का 3x ठीक, plus 1 and plus 3 1 plus 3 योगा 4 divided by x plus 1 x plus 1 ये 7 ठीक है students जी आगे था। अब देखिए सारे numerator as well as denominator में सारे positive term है, positive term है तो by अप्लाई लिमिट, अब लिमिट अप्लाई कर सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 एप्लीकेट ठीक है स्टूडेंट्स, तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट अप्लाई करने के बाद अब हमारे पास आंसर क्या आ रहा है z का रूट x टेंड्स टू 1 मींस x की वैल्यू 1 स्क्वायर से 3 मल्टीप्लाई x टेंड्स टू 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू 1 प्लस 1 ठीक है, सो z का रूट 1 स्क्वायर मींस 1 रहेगा प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 3 1 का 3 प्लस 4 होल अपॉन 1 प्लस 1 मींस क्या होगा 2, सो z का रूट 1 प्लस 3 1 प्लस 3 4 4 में 4 प्लस करेंगे 8 डिवाइडेड बाय 2, सो 8 डिवाइडेड बाय 2 2 का डिवाइडेड को 4 टाइम लग सकता है, ये है कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 10 ठीक है स्टूडेंट्स, चलो देखते हैं जी गाइस ये है सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट का, तो 11 कंप्लीट क्वेश्चन है, थोड़ा लॉजिकल लेंथ जरूरी है तो इसको पूरी किस तरीके से सॉल्व किया आपके सामने इसका सॉल्यूशन है, पहले 4 को ब्रेकअप किया था एंड मिडिल टर्म कॉमन था कैंसिलेशन की एंड आगे कॉमन लेने के बाद कुछ टर्म ये यहां पर x 1 कॉमन लिया कॉमन लेने के बाद कैंसिल हो गया फिर भी डिनोमिनेटर में नेगेटिव टर्म रह गया है तो इसको अब मजीद सॉल्व करना था मजीद सॉल्व किया ठीक है ओके अल्लाह।